देख रहा हूं आई एम सीइंग, अगर ऐसा आपने बना दिया तो क्या सेंटेंस है गलत है? ऐसा ही है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चूंकि तो हेलो स्टूडेंट्स, और कहा भी जाता है कि मैं तो चला था जानिबे मंजिल अकेले, मगर लोग साथ आते गए कारवा बनता गया। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अच्छा काम हो उसको स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन वही काम में जब सफल हो जाते हैं तो वही आलोचक, वही शिकायतकर्ता आपके साथ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके पहले वीडियो में बताया कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तीन नाम से क्यों जानते हैं, और पहले में ही बताया कि नाम में ही काम छिपा है, और नाम सही से नाम का अर्थ निकाल लेंगे तो काम का भी पता चल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। तो आप पहला, आज मैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, लेकिन इसके पहले वीडियो देखने के लिए इसका इम्परफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखना होगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, लाइक करें, और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं ये भी अपील करूंगा, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। तो चलिए बिना विदाउट डिले हम लोग बातें करते हैं आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, आप जानते हैं इसको तीन नाम से पुकारते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। लेकिन आज मैं बात करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की पहचान होता है कि इस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या भी नहीं होता है, नहीं भी होता है, बिल्कुल सिंपल होता है ना। तो यहां पे देख सकते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम लिखे हैं, पहले हम सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर, इसी को एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और वर्ब में आई एन जी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट द फुल स्टॉप, वर्ब वन में आई एन जी, इसी को वर्ब फोर भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना सीखे। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, यहां पर लिखते हैं कि मैं बोलने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोलने जा रहा हूं, है ना। तब मैं बोल रहा हूं, पहला मेरा काम क्या होगा? पहला मेरा काम होगा हम टेंस को आइडेंटिटी करेंगे कौन टेंस है। तो मैं बोल रहा हूं कौन टेंस है, है ना। तो आप डेफिनेशंस के भी, मैं बोलने का काम कर रहा है, एक दो घंटा तीन घंटा बोलने का काम करके समाप्त होगा ना, तो डेफिनेशन के अनुसार क्या है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या पहचान के अनुसार देखो रहा हूं है तो इसे भी पहचान होता है कि कौन टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अब है कि इसमें पहले तो आप काम कर लीजिए टेंस को पहचान के, दूसरा काम है काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस मेरा कैसा है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव क्या, इसमें नहीं कहीं है, नहीं है, क्या है, नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं, तो आप समझना है अफर्मेटिव सेंटेंस है, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस दो काम कर लिए, टेंस को भी पहचान लिए, काइंड ऑफ सेंटेंस भी देख लिए। तो काइंड ऑफ सेंटेंस देख लिए कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहला हमको ढूंढना होता है सब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूँ, बोलने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अगर इससे नहीं होता तो कौन लाएगा प्रश्न कीजिए, कौन बोल रहा है, तो आंसर मिलेगा मैं, तो मैं के इंग्लिश क्या होता है आई, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। उसके बाद इज एम आर, आप जानते हो कि सब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, सिंगुलर समझते हैं, एक होगा तो आई के साथ एम लगाएंगे, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे आर, तो आई के साथ क्या लगता है एम लगेगा। अब कह रहा है कि इज एम आर हो गया, वर्ब उठिए, वर्ब क्या है बोल, है ना, हमने वर्ब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हम, और काफ़ी आपको प्रशंसा भी मिला है, इसीलिए आप वर्ब को देखने के लिए बार बार कहते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख लें, है ना, कि वर्ब को कैसे आइडेंटिटी करेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होता है ना। तो देखिए वर्ब क्या है, बोल, तो बोल के इंग्लिश क्या होता है स्पीक, बोलिए स्पीक होता है ना, आप कह रहे स्पीक मिल गया तो इसमें आई जोड़ लीजिए, तो आई एम स्पीकिंग, नो प्रॉब्लम। अब है कि मैं बोलने जा रहा हूँ, तो टेंस वही है, कंसेप्शन टेंस भी अफर्मेटिव है, मैं बोलने जा रहा हूँ, तो कौन बोलने जा रहा है, मैं इंग्लिश एम, अब जा के इंग्लिश क्या होता है गो, इसमें क्या लगा देंगे आई एन जी, आई एम गोइंग। अब बोलना क्या होता है टू स्पीक, क्योंकि यहाँ बेसिक वर्ड है, बेसिक वर्ड समझते हैं ना, बोलना का इंग्लिश टू स्पीक, खेलना का टू प्ले, जाना का टू गो, है ना, आई एम गोइंग टू स्पीक, तो थोड़ा दोनों में डिफरेंट है। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं। अब है कि
मेरी बहन अंग्रेजी बोल रही है। मेरी बहन अंग्रेजी बोल रही है तो फिर हम वही काम करेंगे, टेंस तो पहचान लिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, वक्त कैसा है, अफर्मेटिव है तो कौन, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कौन अंग्रेजी बोल रही है, मेरी बहन, तो सब्जेक्ट हमको मिल गया ना, चाहे बोलने का काम कौन करते हैं, मेरी बहन, तो मेरी बहन का इंग्लिश क्या होगा, माई सिस्टर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई सिस्टर, वेरी गुड। तो मेरी बहन यहाँ सिंगुलर है प्लुरल से, तो सिंगुलर है, सिंगुलर साथ इज, अब प्लुरल साथ आर, और आई के साथ एम, तो क्या लगा देंगे, इज, अब वर्ब डूटे वर्ब क्या है, बोल, बोल के इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, वेरी गुड, तो क्या लगा देंगे, स्पीक, इसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी, आई एम, माई सिस्टर इज स्पीकिंग, और क्या है, अंग्रेजी द नेम ऑफ लैंग्वेजेज है, भाषा का नाम, तो जब भाषा का नाम जहाँ भी हो वहाँ कैपिटल यूज करना नहीं, इंग्लिश लिखना है। अगर यहाँ पे अगर आपने ई को स्मॉल कर दिया, छोटा लिख दिया, तो कॉमन एरर्स हो गया, मतलब आपको कहीं ना ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो माई सिस्टर इज स्पीकिंग इंग्लिश, अगर मेरी बहन अंग्रेजी बोलने जा रही है तो क्या बोलेंगे, माई सिस्टर इज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे बड़ा देखते हैं, इससे, मैं अपने प्रचार के पास एक आवेदन पत्र लिख रहा हूं, मैं प्रचार्ज के पास एक आवेदन पत्र लिख रहा हूं, तो कोई बड़ा सेंटेंस नो प्रॉब्लम, मैं अपने प्रचार्ज के पास एक आवेदन पत्र लिख रहा हूं, तो डेफिनेटली हम पहले देखेंगे टेंस कौन है, तो टेंस कौन है, प्रेजेंट इंपरफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, वह कैसा, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट ढूंढिए कि लिखने का काम कौन कर रहा है, तो मैं, अच्छा है कौन अपने प्रचार्ज के पास आवेदन पत्र लिख रहा है, तो मैं की इंग्लिश क्या करेंगे, आई। अब देखिए इज एम आर में क्या लाएंगे, तो जानते हैं एक साथ एम लगा देंगे, अब इधर से आइए, अब लिखना क्या होता है, राइट होता है ना, राइट, लेकिन जब भी आई जी लगाएंगे तो ई को यहाँ विलुप्त कर देंगे, तो राइटिंग, तो आई एम राइटिंग। अब ई एक आवेदन पत्र यहाँ पर लिख लीजिए, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, ए पी पी एल आई सी टी एन एप्लीकेशन, और के पास इंग्लिश क्या होता है, टू, और माई प्रिंसिपल, माई प्रिंसिपल, यानी अब जानते हैं कि आई होगा तो अपने के लिए माई, अब जानते हैं ना, आई होगा तो अपने के लिए माई, ही होगा तो अपना के लिए क्या करेंगे, हिज, सी होगा तो अपना के लिए क्या होगा, हर, वी होगा तो अपना के लिए क्या होगा, अस, इट होगा तो अपने के लिए क्या होगा, इट्स होगा ना जी, अच्छा है, दे होगा तो अपने के लिए क्या होगा, देयर, तो यहाँ आई है तो इसलिए अपने के लिए माई हो जाएगा, और वह एक अपने प्रचार्ज के पास हुआ कि तो हिज हो जाता है, वह सी रहता तो यहाँ पे हर हो जाता है ना, तो ये समझना होगा। तो फिर अब इसी को है कि मैं अपने प्रचार्ज के पास आवेदन पत्र लिखने जा रहा हूँ, तो बस आई एम गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन टू माई प्रिंसिपल, ओके। अब थोड़ा देखते हैं इससे भी बड़ा दिया तो कोई बात नहीं, कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, बना लीजिए, पहले टेंस पहचान लीजिए, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वक्त कैसा, अफर्मेटिव है, बिल्कुल, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, कौन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, तो कौवा, कौवा की इंग्लिश क्या होता है, क्रो होता है ना, तो क्रो, चूंकि ये कॉमन नाउन है तो इसके पहले द लगा देंगे, द क्रो, तो यहाँ पे क्रो सिंगुलर है प्लुरल, तो सिंगुलर तो इज लग जाएगा, है ना। अब भटकना क्या होता है, वांडर, घूमना का मूव होता है, लेकिन भटकना है तो वांडर लिख देंगे, वांडर, चूंकि वांडर में क्या करेंगे, आई एन जी, वांडरिंग, द क्रो इज वांडरिंग, इधर उधर है तो क्या लिख देंगे, हेयर एंड देयर, क्या लिखेंगे, हेयर एंड देयर, पानी की तलाश में, तो क्या करेंगे, की खोज में क्या होता है, इन सर्च ऑफ, तो इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की खोज में, आप पानी है तो वाटर लिख देंगे, है ना, तो द क्रो इज वांडरिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। अब बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, अगर मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग, अगर ऐसा आपने बना दिया तो क्या सेंटेंस है, गलत है, सही है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सी जो होता है ना, सी हमेशा जो है ना, सी को हम लोग क्या करते हैं, सी को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, इसीलिए मैं देख रहा हूं तब भी क्या होगा, आई सी,
अब मैं देखता हूँ तभी आई सी, मैं देखूंगा आई सी ही होगा, सी में आप आई एन जी के यूज नहीं करेंगे नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, है ना। सी मैंने भी देखना होता है ना, लुक मैंने क्या होता है देखना होता है, होता है ना। चलिए उसके बाद बिहोल्ड मैंने क्या होता है, बिहोल्ड मैंने भी देखना होता है। उसके बाद वॉच मैंने भी क्या होता है देखना होता है। उसके बाद ऑब्जर्व मैंने भी क्या होता है देखना होता है। उसके बाद पीप मैंने भी क्या होता है देखना होता है, होता है ना। अब सब में डिफरेंटेड क्या है ये देखना होता है। सी अगर कोई चीज अपनी आंखों से देखते हैं, मैं देखता हूं आई सी, यानी आप आंखों से। दूसरी बात की सी का मतलब क्या होता है कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। लुक, लुक का मतलब होता है कि आप स्वयं देखते हैं दूसरों को भी दिखाते हैं, जैसे लुक एट द पिक्चर, लुक द लोन, यानी आप तो देख ही रहे हैं दूसरों को दिखा रहे हैं तो वहां पे हम लुक के यूज करते हैं। बिहोल्ड मैंने भी देखना, किसी को प्यार से देखते हैं, बच्चे को आप दुलार प्यार से देखते हैं ना, तो वहां पे हम लोग बिहोल्ड यूज करते हैं। वॉच का मतलब क्या होता है, अब जैसे मैं एक फिल्म देख रहा हूं, अगर आपसे कहा जाएगा मैं एक फिल्म देख रहा हूं, अगर हमने लिख दिया कि आई एम सीइंग ए फिल्म, तो क्या सही है। अगर कोई लिखता है कि आई एम वॉचिंग ए फिल्म, तो आई एम सीइंग ए फिल्म, आई एम वॉचिंग ए फिल्म, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा जी, किसी के साथ तो आई जी लगाते नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। आई एम वॉचिंग ए फिल्म कहिए चाहे आई एम वॉचिंग ए पिक्चर कहिए चाहे आई एम वॉचिंग ए मूवी कहिए, है ना। तो वॉच मतलब क्या होता है, वॉच का मतलब है किसी चीज को आप बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, उसको अवलोकन कर रहे हैं, उसके निरीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं वॉच। ऑब्जर्व का मतलब भी देखना, ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना, पूरी उसमें जांच पड़ताल करते हैं तो वहां पे हम ऑब्जर्व लगाते हैं। और पीप का मतलब होता है देखना, लेकिन देखना का अर्थ यहाँ पे झांकना का अर्थ होता है। तो झांकना का मतलब क्या होता है, कम जगह में आप देखने के प्रयास करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीप, तो वहां पे पीप का यूज करते हैं। तो आप समझ गए कि सी, लुक, बिहोल्ड, वॉच, ऑब्जर्व, पीप, इस सबका यूजेस डिफरेंट है, आप अर्थ तो बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बार बार मैं आप फ्रेंड से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे दो चार सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं, इससे आप इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे, इससे आप ट्रांसलेटर नहीं बनेंगे, इससे आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आएगा। आप पहले घर पे जाएं, कॉपी पे 10 20 30 40 वाक्य बनाएं, उसके बाद ओरल बनाने की कोशिश करें, मौखिक। जैसे मेरी बहन खाना बना रही है, माई सिस्टर इज कुकिंग फूड, मेरी बहन खाना बनाने जा रही है, माई सिस्टर इज गोइंग टू कुक फूड, मेरा दोस्त एक आवेदन पत्र लिख रहा है, माई फ्रेंड इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, मेरा दोस्त एक आवेदन पत्र लिखने जा रहा है, माई फ्रेंड इज गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशंस। हम लोग साइकिल से बाजार जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू मार्केट ऑन द बाइसिकल, साइकिल साधन है लेकिन साइकिल में केवल ऑन लगाते हैं, बाकी में क्या बाई। अगर मेरे पिताजी ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं तो माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली बाई द ट्रेन, केवल साइकिल में ऑन लगाता है, बाकी जितने भी साधन होगा वहाँ पे बाई लगाएंगे। मैं कलम से एक पत्र लिख रहा हूँ, कलम क्या इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट होगा तो वहाँ पे के साथ का से के लिए वहाँ पे विद लगाएंगे। आई एम राइटिंग ए लेटर विद ए पेन, अगर मैं पेंसिल से एक पत्र लिख रहा हूँ तो वहाँ पे इन ए पेंसिल, आई एम राइटिंग ए लेटर इन ए पेंसिल होगा। गाय हमें दूध दे रही है, द काउ इज गिविंग अस मिल्क, यानी जब ओरल सेंटेंस बनाएंगे मैं, आप जब भी सोने जाएं, बेड पे जाएं, तो बेड पर ओरल 10 20 30 40 सेंटेंस आप बनाकर सोए, आप देखना कि आपको अंग्रेजी बोलने भी आ जाएगा और ट्रांसलेशन भी वर्ड बनाना सीख जाएंगे। अब जब ओरल बनाने आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ड्स भी याद होंगे, हो गए, है ना। आज जानते हैं ना, वो कौन चीज़ नहीं भूलते हैं जो डेली इस्तेमाल करते हैं। आप जब डेली बोलना करेंगे, बोलेंगे डेली सेंटेंस आप बनाएंगे, अब देखना कि आप भूलेंगे नहीं, और बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा अंग्रेजी भी आपको बोलने आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा फ्रेंड्स, आपसे अपील है, प्लीज़ आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गिव एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए ग्रेट स्टूडेंट्स, प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक दिस लैंग्वेज, तो प्लीज़ यू हैव टू मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेज रेगुलरली, आप रोज़ बनाएं, आप देखना बहुत अच्छे बन जाएंगे, है ना। तो मैं चाहूँगा कि ये आपके टॉपिक अफर्मेटिव समझ में आ गए होंगे, फिर अगले वीडियो में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड बताएंगे। आज इतना ही,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।